सामने आ गए हैं पार्लियामेंट हाउस के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वुजरा और अराकीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुस्लिम लीग नून के कारकुनान ने भरपूर एहतजाज किया और नारेबाजी भी की, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने भी जवाबी नारे लगाए। एहसन इकबाल, मरियम औरंगजेब समेत नून लीग के अराकीन पार्लियामेंट जो है वो बाहर मौजूद हैं और एहतजाज कर रहे हैं। ये तमाम तर मनाजिर आप पार्लियामेंट के बाहर के देख रहे हैं। इससे पहले जो मनाजिर थे वो ये थे कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि पार्लियामेंट के इजलास में मौजूद थे और खिताब कर रहे थे, उन्होंने रद्द अमल देते हुए ये बात वाज़ह तौर पे कही कि मरियम नवाज को गिरफ्तार किया गया है, इसीलिए वो ऐवान से वॉकआउट कर रहे हैं। और ये बात करते ही उन्होंने वॉकआउट की, उसके साथ जितनी भी अपोजिशन की क़यादत मौजूद थी तमाम तर लोग उठ गए और वहां से वॉकआउट किया गया। तो एक रद्द अमल ये भी सामने आया है और दूसरा रद्द अमल आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये भी रद्द अमल सामने आ रहा है। मुस्लिम लीग नून के जो सीनियर रहनुमा हैं, सीनियर अरकान पार्लियामेंट हैं, वो इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाज तब किया गया जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वुजरा हैं और जो अरकान पार्लियामेंट हैं वो मीडिया टॉक करने के लिए यहाँ पहुंचे लॉबी के अंदर, और इसी दौरान मुस्लिम लीग नून के जो अरकान पार्लियामेंट हैं, जो MNAs हैं, वो यहाँ पर आए और उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया। उनमें मरियम औरंगजेब का नाम भी मौजूद है और एहसन इकबाल साहब भी इसी में शामिल हैं। तो आप देख सकते हैं कि नारेबाजी की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्यादत हुकूमत के खिलाफ। मरियम औरंगजेब को गिरफ्तार किया गया है लाहौर से कोटलकपर जेल के बाहर से, और इसी का रद्द अमल इस्लामाबाद में भी आप देख सकते हैं कि सामने आया है। इससे पहले बात की जाए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की, तो उन्होंने भी पार्लियामेंट में अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया और उन्होंने एग्रेसिव बॉडी लैंग्वेज के साथ कहा कि मरियम नवाज को गिरफ्तार किया गया है और इसी गैर जमहूरी रवैये पर वो पार्लियामेंट के इस फ्लोर से वॉकआउट करते हैं, और इसी के साथ वो वॉकआउट कर गए और उनके साथ जितनी भी अपोजिशन क्यादत थी उन्होंने भी वॉकआउट शुरू कर दिया। अलबत्ता मुराद सईद को माइक दिया गया, उन्होंने बोलने का आगाज किया लेकिन उनकी तकरीर नहीं सुनी और वहां से चले गए बिलावल भुट्टो जरदारी। और यही सूरत हाल इस वक्त आप लॉबी के भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वुजरा हैं, जो अरकान पार्लियामेंट हैं, वो इकट्ठे हुए मीडिया टॉक के लिए, लेकिन मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं, सीनियर क्यादत है और जो अरकान पार्लियामेंट है, उन्होंने अपना एहतजाज यहाँ पर रिकॉर्ड कराया और उनकी गुफ्तगू के दौरान जो है वो नारेबाजी की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्यादत के हवाले से, और इसके साथ साथ मजम्मत की गई है शदीद अल्फाज में। मरियम औरंगजेब जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और एहसन इकबाल भी यहाँ पर मौजूद हैं, उन दोनों की जानिब से मजम्मत की गई है। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे वली चौधरी से। वली चौधरी, एक रद्द अमल पार्लियामेंट के अंदर आया बिलावल भुट्टो जरदारी ने दिया, एक जो रद्द अमल है वो पार्लियामेंट की लॉबी में देख रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए जो पार्लियामेंट हाउस के बाहर जो वो एरिया है जहां पर जितने भी अरकान है वो मीडिया से जो है वो गुफ्तगू करते हैं, तो इस वक्त वो जो मीडिया से टॉक का जो एरिया है वो बिल्कुल अखाड़े में तब्दील हो चुका है। और जिस वक्त वफाकी वजीर मुबासरात मुराद सईद यहाँ पर मीडिया टॉक कर रहे थे, तो अभी उनकी टॉक जो है वो शुरू ही हुई थी, तो अचानक ही जो मुस्लिम लीग नून की जो सीनियर लीडरशिप है जिसमें एहसन इकबाल, जिसमें मरियम औरंगजेब और इसके अलावा दीगर जो MNAs हैं, वो अचानक क्योंकि मीडिया टॉक करने के लिए आ रहे थे और जिस वक्त उन्होंने यहाँ देखा कि जो इस वक्त मुराद सईद जो वफाकी वजीर है वो यहाँ पर मौजूद है, तो दोनों तरफ से पहले तो मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो नायब सदर है मुस्लिम लीग नून की, उनकी जो गिरफ्तारी हुई है उसके खिलाफ जो है वो नारेबाजी की जा रही थी और हुकूमत के खिलाफ जो है वो नारेबाजी की जा रही थी, तो अचानक ही जिस वक्त वो मीडिया टॉक एरिया के करीब पहुंचे तो जो मुराद सईद के साथ जो MNAs मौजूद थी, खवातीन और मर्द MNAs मौजूद थे, इसके अलावा जो दीगर कारकुनान साथ थे उनकी जानिब से भी जो है वो नारेबाजी का सिलसिला शुरू कर दिया गया, जिसके बाद जो सूरत हाल है वो इस वक्त इंतहाई जो है वो यहाँ पर बुरी नजर आती है, क्योंकि दोनों जो पार्टीज के जो अरकान कौमी असेंबली है उनकी जानिब से जो है वो मुसलसल एक दूसरे पर जो है वो नारेबाजी की जा रही है। इससे पहले भी अब से थोड़ी देर पहले जो मुस्लिम लीग नून के और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MNAs और कारकुनान है वो उनके दरमियान जो है वो हाथापाई भी हुई, और इस वक्त भी जो नारेबाजी है वो शदीद जारी है। जो मरियम औरंगजेब है जो तर्जुमान है मुस्लिम लीग नून की, उनकी जानिब से ये इसरार किया जा रहा है कि हम मीडिया टॉक जो है वो वफाकी वजीर को नहीं करने देंगे और हम अपना जो मौकफ है वो मीडिया के सामने जो है वो रखेंगे कि जो मरियम नवाज की गिरफ्तारी हुई
वो क्यों की गई और उसके पीछे हकाइक और मुहरकात क्या थे। तो इस वक्त भी जो नारेबाजी है वो जारी है और कोशिश ये की जा रही है कि जो ये मामला जो है वो खुशअसलूबी या प्यार मोहब्बत के साथ जो है वो हल हो जाए, लेकिन इस वक्त दोनों तरफ से जो शदीद नारेबाजी एक दूसरे के खिलाफ की जा रही है। मरियम नवाज़ वली चौधरी, आप आगाह कर रहे थे जो आप मनाजर देख रहे हैं उसके बारे में, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया। तो नाजरीन, सूरत हाल जो है वो आपके सामने है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अरकन पार्लियामेंट और मुस्लिम लीग नवाज के अरकन पार्लियामेंट आपस में गुत्थम गुत्था है, क्योंकि मामला है मरियम नवाज की गिरफ्तारी का। उस पर शदीद रद्द अमल दिया जा रहा है मुस्लिम लीग नून की क्यादत की जानब से। मरियम औरंगजेब मौजूद हैं और उनके साथ एहसन इकबाल मौजूद हैं, उनके साथ दीगर नाम भी मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के सीनियर नाम हैं जो वहाँ पर जो है तरीके इंसाफ की मीडिया टॉक के दौरान पहुंचे और इसी दौरान उन्होंने जो है वो नारेबाजी की पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ और रद्द अमल सामने से भी आया। पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने भी जो है वो नारेबाजी की है और उन्होंने भी मुस्लिम लीग नून की क़यादत के खिलाफ नारेबाजी की है। तो ये दो तरफा रद्द अमल है जो सामने आया है। कोट लखपत जेल के बाहर से मरियम नवाज को गिरफ्तार किया गया है। नैप की टीम वहाँ पर पहले से मौजूद थी और मरियम नवाज जो कि आज अपने वालिद से मुलाकात के लिए पहुँची और ये रूटीन की मुलाकात होती है, वीकली मुलाकात होती है और आज वो यहाँ पर पहुँची थी साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए और यहाँ पर उनकी गिरफ्तारी